नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं आज की 20 ताज़ा खबरें। मुंबई ड्रग्स पार्टी केस, आर्यन खान करीब 4 घंटे पूछताछ के बाद गिरफ्तार। आर्यन के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा भी अरेस्ट। ममता बनर्जी को भावनीपुर में मिली जीत। बंगाल की बेटी से देश की दीदी बनने तक का सफर। राजनीति में किसी बर्गर के छाए में नहीं रही ममता। पंजाब कांग्रेस में कलह जारी। सिद्धू अब चन्नी सरकार पर भड़के। कहा डीजीपी और एजी को तुरंत हटाए वरना मुंह नहीं दिखा पाएंगे। राजस्थान में भड़का किसान आंदोलन। घरसाना में 10,000 से ज्यादा किसानों ने एसडीएम दफ्तर घेरा। डीएसपी समेत 150 जवानों का बंधक बनाए रखा। रंजिश में तेजाब से हमला। चाचा भतीजा की लड़ाई से तीसरे ने बाजी मारी। आक्रोशित भतीजा पक्ष ने चाचा पक्ष पर तेजाब फेंका। 5 महिला समेत 7 घायल। सीतामढ़ी में पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। चुनाव जीतने के बाद मुखिया समर्थक निकाल रहे हैं जुलूस। डीजे बंद कराने पहुंची पुलिस पर की पत्थरबाजी। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हिमाचल में अलर्ट। आने वाले 8 हफ्ते संवेदनशील, संक्रमण दर बढ़ रही। आईसीएमआर ने 8 राज्यों को जारी की चेतावनी। कोविड एक्ट के तहत व्यापारियों पर हुए मुकदमे होंगे वापस। सीएम योगी ने गृह विभाग को दिया निर्देश। कोरोना काल में प्रदेश के करीब 20,000 कारोबारियों पर हुए थे मुकदमे। अलीगढ़ बिना पहिए के 2 किलोमीटर दौड़ी मालगाड़ी। ट्रैक से उतरे डिब्बे। गाजियाबाद से कानपुर की ओर जा रही थी मालगाड़ी। धमाके के साथ निकला पहिया। 4 घंटे ट्रैक राबगी। दिल्ली टूंडला मेमू हुई निरसत तो कई ट्रेनें प्रभावित। एसएसबी ने हटाई पाबंदी। आज से नेपाल की करिए सैर। 18 महीने बाद शर्तों के साथ महाराजगंज से नेपाल जाने की मिली अनुमति। नेगेटिव कोविड रिपोर्ट दिखाने पर ही मिल रही एंट्री। मनीष हत्याकांड आरोपी इंस्पेक्टर के कमरे में एसआईटी की ओर पड़ताल। गोरखपुर के रामगढ़ थाने की फाइलें खंगाली। केस डायरी पड़ी, सबूत जुटाए। खून की तलाश में गाड़ी पर डाला केमिकल। मेरठ में तेजी से बढ़ रही है डेंगू की रफ्तार। 24 घंटे में आए 28 नए मामले। अब तक 2 गांवों में हो चुकी है 7 की मौत। चेकअप के लिए लगाए गए शिविर। छेड़छाड़ से परेशान लड़की के परिवार ने घर छोड़ा। कानपुर देहात में स्कूल आते जाते किशोरी को छेड़ता था दबंग युवक। दरवाजे पर युवक की करतूत लिख पलायन कर गई सभी। शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म। युवक के घर शिकायत करने पहुंचे परिजनों से मारपीट। एफआईआर दर्ज कराने पर दी जान से मारने की धमकी। पीटने से पहले युवक के मुंह में ठूसा था कपड़ा। मेरठ में पीट पीट कर युवक की हत्या का चश्मित सामने आया। बोला 2 घंटे तक पीटते रहे। मरने के बाद मुंह में पानी डाला। मनीष गुप्ता हत्याकांड में बड़ा खुलासा। मानसी अस्पताल में नहीं मिल रहा था डॉक्टरों को मनीष का पल्प व बीपी। पुलिस बोली मरहम पट्टी तो कर दीजिए, मामूली चोटें हैं। सीसीटीवी और होटल कर्मचारी ने एसआईटी खोलेगी मौत के राज। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। हरियाणा पंजाब के 8 जिलों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। कैथल में 5 दुकानों को बनाया था निशाना। दिन दहाड़े छात्रा के अपहरण के प्रयास के 2 आरोपी गिरफ्तार। मौसी के देवर ने फुफेरे भाई के साथ मिलकर बनाया था किडनैपिंग का प्लान। शादी से मना करने पर गुस्सा था आरोपी। हालात ने खेलने नहीं दिया, अब लंदन में दौड़ेगा युवक। पहली बार पुलिस में भर्ती होने के लिए छोड़े थे गोवर्धन। आर्थिक तंगहाली की वजह से 10 साल छोड़ा दौड़ना, अब लंदन में मेडल की तैयारी। उसी बार मां बनी नेहा धुपे। नेहा धुपिया ने दिए बेटे को जन्म। पति अंगद बेटी के गुड न्यूज शेयर कर बताया बच्चा और नेहा दोनों स्वस्थ। ये थी अब तक की 20 खबरें। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।